मैं अंदर बैठ काम करन दी रसोई दा ते मैंने गेट दी आवाज सुनी मैं बाहर गई उत्तों पता नहीं पिछे कोई आया मुँह टक लिता उत्तों तो पता नहीं की होया। कुछ अणपछाते लोगों ने घर च इकली कुड़ी ते हमला कर दिता जिस तों बाद लड़की नूं बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुँचाया गया तो परिवारक मैंबरां ने गुआंढियां ते ही हमला करन दे इल्जाम लगाए ने। कपूरथला दे मोहल्ला संतपुरा इलाके च नकाबपोश लोगों ने एक परिवार के घर च दाखिल होकर लड़की की कुटमार की। बेहोशी की हालत में लड़की नूं इलाज लई सरकारी अस्पताल कपूरथला च दाखिल करवाया गया। लड़की के परिवार वाले ने दस्या कि लड़की घर च इकली सी जदों उसते हमला होया ते परिवार ने उन्होंने गुआंढियों से ही दुश्मनी कढ़ने लई घर विच वड़ के उन्होंने धी ते कातलाना हमला करन दे इल्जाम लगाए ने। पीड़ित लड़की ने दस्या कि जदों वह घर च इकली सी तां कुछ लोग आए तो उन्होंने घर का गेट की आवाज़ हुई तो जदों वह बाहर गई तो किसी ने उसका मुँह ढक दिता तो हमला कर दिता जिस तों बाद उसनूं कुछ भी याद नहीं है। उसनूं यह भी दस्या कि पहला भी उसके गुआंढियों नाल झगड़ा होया सी। कुछ मैं अंदर बैठ काम करन दी रसोई दा ते मैंने गेट दी आवाज़ सुनी मैं बाहर गई उत्तों पता नहीं पिछे कोई आया मुँह ढक लिता उत्तों तो पता नहीं की होया कुछ याद नहीं होगा मैंने। लड़ाई चलती पीड़ित लड़की की माता ने इल्जाम लगाउंदिया कहा कि उन्हां दी बेटी ते हमला कथित तौर ते उन्हां दी गुआंढण ने ही कीता जो कि अगे भी उन्हां नूं तंग परेशान करती रहिंदी है ते उन्हां कहा कि तंग परेशान करन नूं लै के पहलां वी शिकायतां दित्तियां गईआं ने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है हुण उन्हां नूं इंसाफ दी गुहार लगाई है। इतना तंग कर रहे वो जनानी तो बहुत ज्यादा ही तंग कर रहे। संबंधी के पहले कोई कंप्लेंट देती थी पुलिस में? हाँ जी, दो बारी कंप्लेन सिटी थाने करे हैं। एक को होन अभी चल रही हैगा, वो कहते जनानी का की सुनवाई करे, जनानी का कोई है ही नहीं सुनवाई हैगा। हूँ बंदे का मेरे 751 पुलिस की कार्रवाई की है। हाँ जी, हूँ की कीती कार्रवाई उनकी करी जात है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हैगा। हूँ मेरे बंदे का 751 कराए के तो उनके साथ से कुछ नहीं हुए, उन्हें फिर भी लड़ाइयाँ गालियाँ फिर मेरी कुड़ी का मारन वाते हूँ। ये मेरा इंसाफ मैनु देन चाहिए हूँ। पुलिस के उच्च अधिकारी तो की मांग की करते मैनू अब मेरे बच्चे का मेरे 5 बच्चे हैं, 4 मेरे काके, 1 मेरी गुड़िया, 2 जू मैं हूँ, तो मेरे घर के सुरक्षित चाहिए। इस जनानी तो मैनू बहुत ज्यादा डर हैगा हूँ। लड़की के पिता ने दस्या कि उन्होंने बेटी घर में इकली सी तो इसे दौरान जो घर वापस परते तो उन्होंने बेटी गेट से बेहोश पई सी ते उन्होंने इल्जाम लगाए कि कथित तौर पर उन्होंने गुआंढ़ी उन्होंने तंग परेशान करती है ते नाल ही उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहना सी कि वह प्रवासी ने पर उन्होंने अमृत छकिया होया है पर उन्होंने यह कह के तंग परेशान किया जाता है कि तुम इतों चले जाओ। उन्होंने पुलिस प्रशासन से भी इल्जाम लगाए ने कि पुलिस कथित तौर पर उन्होंने धमकिया दिंदी है कि उन्होंने झूठे ड्रग्स मामले में फसा दिता जाएगा। कौंसलर भी उन्होंने तंग परेशान करता है ते इस पूरे मामले दे विच हुण उन्होंने इंसाफ दी गुहार लगाई है। तां साडी जिहड़ी लड़ाई है ये राज कौर तां हरप्रीत कौर तां अपने प्रदीप कौर जिहड़ी ने तां घर आ के रोज डेली सवेरे शाम दुपहर तीनों टाइम गालां कढ़दी। पहले मैनू कढ़दी, मैं तां 751 कीता, असीं चुप हो गए, मेरे बच्चे भी चारों चुप हो गए। फिर एक कुड़ी नूं गालां कढ़दी सी बुरी तो भज गई, यारां नूं मिलण गई, किदां वह कुड़ी डिफरेंस दा करके इतों घरों निकली है। उस दिन असी जिहड़ा वा मोहल्ले विच कहा भी MC की मैं ना मेरा MC साथ दिंदा ना पुलिस प्रशासन साथ दिंदा। की नाम की तुहाडे वार्ड दे MC दा? KR सिंह। पुलिस वालों की हुण कहा जांदा तुहानूं? पुलिस वालों जी एक हैगा जी SI जिहड़ा वा उहदा, उह कहिंदा जी मैं कुछ नहीं कर सकदा, मेरे हाथ खड़े लेडीज ते मैं परचा नहीं कर सकदा। दूजे पासे एकता पार्टी के मुखी गुरमीत लाल बिट्टू ने जिला कपूरथला पुलिस की कार्यशैली से कई सवाल खड़े किए ने। उन्होंने कहा कि जेकर पीड़ित परिवार को इंसाफ ना दिता गया तो जल्द ही कपूरथला थाने का घेराव किया जाएगा। धर्म बारे आप जो कि माड़े शब्द बोलते हैं
ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੱਖਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ SHO ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ SHO ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਲਝੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਕੱਲ੍ਹ SSP ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ MC ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ 10 ਵਜੇ ਦੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਮਦਰਦ TV।